हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहां पर कराऊंगा वेव ऑप्टिक्स के बारे में। दोस्तों जी हां दोस्तों, यहां पर आप पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी के बारे में, जो दोस्तों भौतिक विज्ञान का अर्थात फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए शुरू करने के बारे में छोटी से दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से आप देखिए और एक कॉपी और पेन आप जरूर निकालेंगे, ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल के आधार पर या फिर फॉर्मूले मिलेंगे दोस्तों, उन सभी को आप नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले आपको बता दें, तरंग प्रकाशिकी का मतलब दोस्तों विज्ञान की वह शाखा या फिर आप कहें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर तरंग और प्रकाशों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके अध्ययन के अनुसार जो भी निकलता है उसके आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती हैं। हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं आपको बताना है। ये यांत्रिक और अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती हैं, या यांत्रिक और अनुप्रस्थ होती हैं, या विद्युत चुंबकीय होती हैं, या यांत्रिक और गोलीय होती हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यांत्रिक और अनुदैर्ध्य दोस्तों हाइगेंस के अनुसार होती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका एक वाला सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों आपको पता होगा जो प्रकाश की तरंगें होती हैं कैसी होती है दोस्तों, वो आपकी अनुप्रस्थ होती हैं, अर्थात ये दोस्तों माध्यम के लंबवत गमन करती हैं, इस प्रकार से वाइब्रेशन करती हैं, और इनको दोस्तों आप बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पूछा गया है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपको बताना है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश प्रवेश करता है तो चाल बतानी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है या वायु में गमन करता है तो वहाँ पर चाल होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको पता होगा, बार बार पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करेगा, मान लीजिए कांच में चला गया, प्रवेश कर दिया, या फिर जल में प्रवेश कर दिया, किसी भी पदार्थ में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर चाल में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, पदार्थ में चाल कहेंगे आप, यहाँ पर आपको पूछा गया कांच में, तो कांच में चाल आप यहाँ पर कह सकते हैं, बराबर दोस्तों आपका निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे पदार्थ का अपवर्तनांक, जो भी पदार्थ जिसमें प्रवेश किया है दोस्तों उसका अपवर्तनांक आप निकालेंगे, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप नोट कर लेंगे, यदि आपको जल में निकालना होगा तो वहाँ पर आपका पदार्थ जल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा दोस्तों, वीजी बराबर आपका जाएगा 3×10^8 बट्टे 1.5 बराबर दोस्तों 2×10^8, क्योंकि आपका काटने पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 से आपको काटने पे, तो 2×10^8 दोस्तों इतना मीटर प्रति सेकंड आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करती हैं, तो आपको बताना है जल में तरंग दैर्ध्य क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जल का आपको अपवर्तनांक दिया है, बिल्कुल दोस्तों आपका ऊपर वाले प्रश्न की तरह है दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य बतानी है, अर्थात वेवलेंथ आपको बतानी है। वेवलेंथ दोस्तों आपको पता होगा, जब इस प्रकार की एक वेव होती है दोस्तों, इसको आप वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेवलेंथ बराबर आपका होता है जब आप किसी माध्यम में निकालते हैं, तो किसी माध्यम में दोस्तों आपका वेवलेंथ बराबर होगा, डैश बराबर डैश कर दें आप यहाँ पर, निर्वात में जो आपका तरंग दैर्ध्य है बट्टे दोस्तों जो पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पर आपका जो चाल है उसकी जगह पर लैम्डा आ गया, तो लैम्डा का मान आप निकालेंगे दोस्तों, लैम्डा डैश को आप निकालेंगे माध्यम में, बराबर लैम्डा बट्टे आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। लैम्डा आपको यहाँ पर दिया है 4000, तो 4000 एंगस्ट्रॉम आप रखेंगे बट्टे अपवर्तनांक दोस्तों आपको 4/3 दिया है। अब देखिए दोस्तों, 4 से आप 4000 को काटेंगे तो आपका 1000 बचेगा, और 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3000 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला दोस्तों आपको दिखता है 3000 एंगस्ट्रॉम दोस्तों बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी चाल कम होती है तो वहाँ पर आपकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी प्रकाश माध्यम में प्रवेश करेगा दोस्तों, उसका अपवर्तन होगा, तो उसमें दोस्तों केवल आपकी आवृत्ति नहीं बदलती, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि बताइए कौन सी वाली राशि अपरिवर्तित रहती है, तो वहाँ पर दोस्तों आवृत्ति अनचेंज रहेगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य और चाल दोस्तों बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का क्या कारण होता है। दोस्तों आपने देखा होगा, जब पानी में दोस्तों तेल की परत बिछी होती है तो उसके ऊपर प्रकाश गिरने पर आपको बहुत ही चमकीला एक रंगीन दोस्तों आपको दृश्य दिखाई देता है, तो ये रीज़न आपको बताना है कि क्या रीज़न होता है, कैसा दिखाई देता है आपको। ये दोस्तों आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, या प्रकाश का ध्रुवण होगा, या प्रकाश का व्यतिकरण होगा, या प्रकाश का विवर्तन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब दोस्तों आपका इंटरफ्रेंस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए व्यतिकरण में क्या होता है दोस्तों, इसके लिए एक शर्त होती है कि आपका जो सोर्स होना चाहिए, जो आपका माध्यम होना चाहिए, वो समान कलांतर वाला होना चाहिए। कहने का मतलब आपका कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई सूर्य का प्रकाश ही ले लिया, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, इससे मान लीजिए कोई किरण आ रही है, इसको दोस्तों आपने बांट दिया, कहाँ से बांटेंगे आप, मान लीजिए आपने कोई सिलेट लगा दी यहाँ पर,
डी मोटाई की दोस्तों चौड़ाई की स्लिट लगाई। तो यहाँ से दोस्तों प्रकाश दो दिशाओं में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक सोर्स H1 बन गया, एक सोर्स आपका H2 बन गया। अब दोस्तों ये जो आपका प्रकाश जाएगा इसको आप किसी पर्दे पर प्राप्त करें पीछे, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक क्या देता है, पैटर्न देता है। यहाँ पर आपको दिखाई देता है चमकीला, फिर दोस्तों आपका काला, फिर चमकीला, फिर काला, फिर चमकीला। अब देखिए दोस्तों आपके जो ऊंचे वाले होते हैं इनको आप बोलते हैं स्वपोषी, और जो आपके नीचे वाले होते हैं इनको आप बोलते हैं विनाशी। तो ये व्यतिकरण का दोस्तों पैटर्न आपको प्राप्त होता है, तो इसी के कारण दोस्तों आपको चमकीला पदार्थ पीछे दिखाई देता है। तो ये दोस्तों आपका व्यतिकरण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका व्यतिकरण की घटना का कारण होता है। व्यतिकरण की दोस्तों आपकी जो घटना है जो अभी आपने देखी, तो इसका रीज़न क्या होता है आपको बताना है, कालांतर होता है या फिर आयाम परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन होता है, तीव्रता होता है। इसका रीज़न दोस्तों अभी अभी आपको बताया हमने, कालांतर होता है। जो फेज़ होता है दोस्तों, फेज़ किसे बोलते हैं, मान लीजिए कोई वेव दोस्तों इस प्रकार से तरंग जाती है, अब एक तरंग और आप ले आए दोस्तों, तो वो दोस्तों क्या होगी आपकी, मान लीजिए थोड़ा सा अलग कलाम है, तो इस प्रकार से मान लीजिए है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आपस में क्या करता है दोस्तों, कट करता है अलग अलग पॉइंटों पर। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर अलग अलग कलाएँ कहलाती हैं। पहले वाली की कला मान लीजिए आपका फाइव वन है, दूसरे वाली की आपकी फाइव टू है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों फाइव वन माइनस फाइव टू आपका कलांतर है, जो कि दोस्तों आपका जीरो नहीं होना चाहिए। फाइव वन माइनस फाइव टू दोस्तों नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब आपने कलांतर दोनों में कर दिया। तो इसी कलांतर के कारण दोस्तों क्या होता है, आपस में इन दोनों में क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों आपस में एक दूसरे को, और काटने के कारण ही दोस्तों आपको व्यतिकरण की घटना दिखाई देती है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि व्यतिकरण प्राप्त होने का मतलब दोस्तों आपको कलांतर करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा, आपने स्लिट लगाई, स्लिट लगाने का मतलब वही था दोस्तों, यहाँ पर आपने प्रकाश को बांट दिया, तो बांटने का मतलब वही था, आपने कलांतर लगा दिया। तो कलांतर से ही दोस्तों आपको व्यतिकरण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात आपको दिया 16:9 हो, तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपने देखा भी, दो मान लीजिए इस प्रकार की तरंगें चलती हैं दोस्तों, इस प्रकार की चलती हैं, तो ये दोस्तों आपस में काटती हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको जो फाइनली पैटर्न प्राप्त होता है, ये आपको जो प्राप्त होता है, इसमें दोस्तों आपको मैक्सिमम और मिनिमम वाली जो इंटेंसिटीज़ हैं दोस्तों, जो आवृत्तियाँ हैं, जो तीव्रताएँ हैं, उनमें आपको अनुपात बताना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको A1 और A2 निकालना होगा। A1 A2 क्या है दोस्तों, ये आपके आयाम है, एम्पलीट्यूड है, जो प्रथम और दूसरे वाली दोस्तों किरणों के मध्य में है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, प्रथम और दूसरे वाली क्या दिया है दोस्तों, आपको तरंगों की तीव्रताएँ दी हैं, और तीव्रता बराबर होता है दोस्तों आपका I बराबर होता है A स्क्वायर आपका होता है, अर्थात जो आपकी तीव्रता होती है दोस्तों वो एम्पलीट्यूड के वर्ग के बराबर होती है। तो I1 बराबर आपका A1 का स्क्वायर हो जाएगा, I2 बराबर आपका A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका A1 बराबर क्या आ जाएगा, A1 बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा √16, और वैसे दोस्तों आपका A2 बराबर आ जाएगा √9। तो पहला वाला दोस्तों आपको 4 मिलेगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे, दूसरा वाला आपको 3 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वाली तीव्रताएँ होती हैं दोस्तों, वो आपकी होती हैं I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम बराबर दोस्तों आपका होता है A1 + A2 का स्क्वायर बट्टे A1 - A2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका A1 + A2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप जोड़ देंगे दोस्तों 4 और 3 को, तो ये आपको यहाँ पर देगा का स्क्वायर बट्टे यहाँ पर 4 - 3 का स्क्वायर। तो ऊपर दोस्तों आपका 7 का स्क्वायर मिलता है आपको, अर्थात 49 आ जाएगा, और नीचे आपको 1 का स्क्वायर अर्थात 1 मिलेगा आपको, तो 49/1 आपको मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इनको दोस्तों निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समान आयाम और समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं, मतलब दोस्तों आपस में इंटरसेक्ट की जाती हैं, तो आपको बताना है परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब बीच का कालांतर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी आपने देखा इस प्रकार से दोस्तों, दो अलग अलग किरणें यहाँ पर मान लीजिए अध्यारोपित की जाएँ दोस्तों। अब आपको बताना है कि अधिकतम यहाँ पर देखिए जो आयाम है वो कब होगा। आयाम मतलब दोस्तों आपका ये जो चौड़ाई होती है, आयाम किसे बोलते हैं दोस्तों, ये जो आपकी चौड़ाई होती है दोस्तों, ये ऊंचाई होती है, इसको आप आयाम बोलते हैं। तो ये अधिकतम कब होगा दोस्तों आपको बताना है, ये अधिकतम दोस्तों तब होगा जब आपका फेज़ डिफरेंस दोस्तों ज़ीरो होगा, फाई आपका ज़ीरो होगा। आपको फॉर्मूले से बता देते हैं दोस्तों, फॉर्मूला आपका होता है I बराबर I1 + I2 + √ के अंदर I1 I2 और 2 भी यहाँ पर होता है दोस्तों आपका कॉस फाई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका कॉस फाई का मान यदि आपका प्लस वन होगा दोस्तों, तो आपका मान मैक्सिमम होगा, क्लियर है आपको। तो कॉस फाई बराबर प्लस वन कब होगा दोस्तों, जब यहाँ पर आपका फाई बराबर ज़ीरो होगा। तो आप कह देंगे दोस्तों, मैक्सिमम जो आपका एम्पलीट्यूड होगा दोस्तों, वो तब होगा जब इनके बीच में कलांतर ज़ीरो होगा। कहने का मतलब आपका जो
जो 5 होगा दोस्तों वो आपका 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंग का किसी अवरोध की ज्यामितीय छाया में मुड़ना क्या कहलाता है। मान लीजिए दोस्तों कोई प्रकाश है यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा है दोस्तों, यहाँ से आया मान लीजिए, ऐसे निकल के आया दोस्तों, इस प्रकार से चल रहा है। अब मान लीजिए कोई सोर्स से टकराता है दोस्तों तो थोड़ा मुड़ जाता है। आपको पता होगा प्रकाश की प्रवृत्ति होती है कि कोई छिद्र में टकराता है दोस्तों तो उससे मुड़ जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं आपको बताना है, मुड़ने की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है उसे आप क्या बोलते हैं। ये प्रकाश का व्यतिकरण या विवर्तन या ध्रुवण या फिर वर्ण विक्षेपण, ये दोस्तों आपका कहलाता है विवर्तन। अभी आपने देखा दोस्तों, अभी तक आपने व्यतिकरण देखा, एक होता है दोस्तों आपका विवर्तन। विवर्तन मतलब दोस्तों आपका डिफ्रैक्शन। आपने रिफ्रैक्शन देखा था और आपने रिफ्लेक्शन भी देखा था, ये दोस्तों आपका होता है डिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का विवर्तन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है तो किसी माध्यम में टकराने पर दोस्तों मुड़ जाता है, झुक जाता है इस प्रकार से, या फिर ऊपर की ओर बैंड हो जाता है दोस्तों। बैंडिंग का जो प्रॉपर्टी होती है वही आपकी एक प्रकार से विवर्तन कहलाती है। और विवर्तन में भी दोस्तों आपको एक पैटर्न प्राप्त होता है, जो आपने अभी देखा दोस्तों, आपने व्यतिकरण में देखा इस प्रकार का आपको पैटर्न प्राप्त हो रहा था, बराबर दोस्तों आपको यहाँ पर चमकीला, फिर आपका काला, फिर चमकीला, फिर काला। यहाँ पर भी दोस्तों आपको प्राप्त होता है, लेकिन वो आपका थोड़ा सा इस प्रकार का होता है, मान लीजिए ऊंचा बीच में है, फिर आपका थोड़ा कम, फिर आपका थोड़ा कम, फिर आपका थोड़ा कम, इस प्रकार से दोस्तों आपका होता है। यहाँ पर आपका दोस्तों हाईएस्ट वाला आपको डार्क वाला दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको हल्का कम चमकीला दिखेगा। तो इनको दोस्तों आप बोलते हैं विवर्तन की घटना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्यों। दोस्तों आपने देखा होगा प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है, जब आपको पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कि सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन दोस्तों आप देखें तो प्रकाश एक तरंग है, और तरंग कैसे चलती है दोस्तों, इस प्रकार से चलती है। तो ये दोस्तों आपको सीधी रेखा में क्यों दिखाई देता है आपको बताना है। ये आपका सह वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होता, या फिर इसकी चाल बहुत अधिक होती है, या फिर इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, या फिर यह वायुमंडल के ऊपरी परत के द्वारा दोस्तों परावर्तित होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब दोस्तों आपकी जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है, तो दोस्तों ये आपको दिखाई नहीं देता, ऊपर नीचे दिखाई नहीं देता, एकदम सीधी रेखा में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक एकल स्लिट जिसकी चौड़ाई आपको दी है ई है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित की जाती है। प्रथम निम्निष्ट 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होगा यदि। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पहले बता दें, जब विवर्तन की घटना भी आपको बताई दोस्तों हमने, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों एक सोर्स यहाँ पर लिया जाता है, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई आपने सोर्स लिया, एक दोस्तों यहाँ पर आप स्लिट लेते हैं इस प्रकार से। अब इसकी चौड़ाई जो आपको दी है दोस्तों, ये आपको ई दी है। अब यहाँ से जो आपका प्रकाश आएगा वो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, इससे विवर्तन होता है इसका। अब यहाँ पर देखिए, आपको चौड़ाई ई दी है और आपको बताना है दोस्तों जो आपका निम्निष्ट प्राप्त होगा। निम्निष्ट किसे बोलते हैं दोस्तों, आपको बताया हमने इस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है, पहले आपका हाईएस्ट होगा, फिर आपका उसके बाद नीचे को जाएगा। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, आपका प्रथम निम्निष्ट हो गया, फिर आपका दूसरा हो गया, फिर आपका तीसरा हो गया, जो आपका नीचे को जाता रहेगा वो दोस्तों आपके निम्निष्ट कहलाते हैं। यदि आप ऊपर को आएंगे दोस्तों आपके उच्चिष्ट कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पहला निम्निष्ट आपको बताना है कि 60 डिग्री पर विवर्तन पर कोण पर दोस्तों प्राप्त होगा, इसके लिए क्या शर्त है, अर्थात ये जो आपकी चौड़ाई है दोस्तों, जो आपने बीच की चौड़ाई ली थी स्लिट की, ई जो आपकी है ये कितनी होनी चाहिए। इसको निकालने के दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपका, साइन फाई बराबर लैम्डा बट्टे ई, अर्थात दोस्तों ई बराबर आपको पूछा गया, तो आपका ई बराबर लैम्डा बट्टे साइन फाई। अब देखिए, आपको फाई दिया है दोस्तों, फाई जो आपको यहाँ पर दिया है वो आपका 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर आप रख देंगे दोस्तों ई बराबर लैम्डा बट्टे साइन 60 रख देंगे। आपको साइन 60 का मान पता होगा दोस्तों क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे ई बराबर लैम्डा बट्टे √3/2, तो आपका ऊपर चला जाएगा दोस्तों आपका 2λ/√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला दिखता है, तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को दोस्तों आप नोट कर लेंगे, ताकि आपको जब भी पूछा गया क्वेश्चन हो आराम से आप निकाल लें, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग मतलब प्रकाश लंबवत कंपन करता है, इसको कौन बताता है दोस्तों, कौन सी वाली घटना के द्वारा पता लगता है, व्यतिकरण के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, ध्रुवण के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। ये दोस्तों आपको पता लगता है ध्रुवण के द्वारा। अब दोस्तों अभी तक आपने देखा व्यतिकरण को या विवर्तन को, अब आप बात करते हैं दोस्तों ध्रुवण की, अर्थात पोलराइजेशन, इसे आप बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी आपने, मान लीजिए कोई टूरमलिन की आपने दोस्तों एक यहाँ पर स्लिट ली, पारदर्शी वाली होती है दोस्तों ये। अब इससे आपका कोई प्रकाश गमन करता है, मान लीजिए आपका प्रकाश आया जो दोस्तों अध्रुवित है, अध्रुवित का मतलब होता है दोस्तों आपका सभी दिशाओं में गमन कर रहा है, इस प्रकार से चलता है अध्रुवित प्रकाश, तो ये सभी दिशाओं में दोस्तों चलता है। अब ये जब टूरमलिन से निकलता है दोस्तों,
तो ये एकदम समतल ध्रुवित हो जाता है, अर्थात लंबवत दिशा में दोस्तों केवल आपको पैटर्न प्राप्त होता है। और सभी दिशाओं में दोस्तों जो आपके थे अलग अलग दिशाओं में थे, अभी तक आपने देखा अलग अलग दिशाओं में इस प्रकार से चल रहे थे, फिर सभी दोस्तों अलग अलग दिशाओं वाले क्या होते हैं, ये दोस्तों आपके टॉरमेलिन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अर्थात अवशोषित हो जाते हैं। तो टॉरमेलिन इनको अवशोषित कर लेती है, केवल आपका लंबवत वाले बचते हैं। तो इसी को दोस्तों आप बोलते हैं लंबवत पैटर्न, और इसे आपको पता लगता है दोस्तों, इसे आप बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, और ये आपका ध्रुवित प्रकाश। तो इससे आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों, जो प्रकाश की तरंग जो कंपन होता है वो आपका लंबवत हो रहा है। तो इस घटना से दोस्तों आपको क्लियर होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, तो इसीलिए आप बोलते हैं ध्रुवण की घटना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संबंध एन बराबर टेन आई पी कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका एन है, एन आपका दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अर्थात अपवर्तनांक है, और आई पी दोस्तों आपका होता है ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण क्या होता है उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। ध्रुवण कोण दोस्तों वाला कोण होता है जिस पर पड़ने पर दोस्तों प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको आईपी के बारे में बताते हैं, ध्रुवण कोण के बारे में बताते हैं दोस्तों। ऐसा कोण जिस पर दोस्तों मान लीजिए कोई आपने पारदर्शी माध्यम लिया, यहाँ पर कांच है, तो कोई किरण दोस्तों जब इस पर पड़ती है, इंसिडेंट किरण पड़ती है, रे पड़ती है दोस्तों आईपी पर, आईपी आपका ध्रुवण है, तो ऐसा आपतित कोण दोस्तों जिस पर आपको परावर्तन कोण क्या प्राप्त हो, एक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो, तो इसी को दोस्तों आप बोलते हैं, इसी आपतन कोण को दोस्तों आप बोलते हैं ध्रुवण कोण दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर आईपी हो जाएगा, और ये दोस्तों आपको क्या प्राप्त होता है, एक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना है इनमें क्या संबंध है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, परावर्तन या व्यतिकरण या बूस्टर का नियम या फिर न्यूटन का नियम। ये दोस्तों आपका कहलाता है बूस्टर का नियम दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका तीन वाला सही हो जाएगा, एन बराबर टेन आई पी का मतलब दोस्तों आपका बूस्टर का नियम होता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे दोस्तों, जब आपको अपवर्तनांक दिया होता है और ध्रुवण कोण आपको निकालना होता है तो आप इसी का इस्तेमाल करते हैं, आराम से आप निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक एन वाले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण अर्थात बूस्टर कोण क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी आपने पढ़ा टेन आई पी बराबर क्या पढ़ा दोस्तों, आपने एन पढ़ा, तो यहाँ पर आपको पूछा गया दोस्तों आपका आई पी बराबर क्या होगा। तो आई पी बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों टेन इनवर्स एन, जहाँ पर एन क्या है दोस्तों आपका अपवर्तनांक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दो वाला सही हो जाएगा, टेन इनवर्स एन आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्रुवण कोण पी तथा क्रांतिक कोण सी में क्या संबंध होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको हमने प्रकाश के अपवर्तन में बताया था, एक आपका जो क्रांतिक कोण होता है वो आपका दोस्तों एन बराबर वन अपॉन साइन सी के फॉर्म में होता है, जहाँ पर सी आपका क्रांतिक कोण है। तो यदि आप दोस्तों साइन को ऊपर ले आएँ तो आपका एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर आपका हो जाएगा कोसेक सी ओ ए सी सी कोसेक सी, जहाँ पर कोसेक क्या है दोस्तों साइन का क्या होता है, इन्वर्स होता है, आपको पता होगा। और वैसे ही दोस्तों अभी आपने बूस्टर के नियम में पढ़ा था एन बराबर क्या होता है टेन आई पी। अब दोस्तों यदि आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलता है, एन बराबर एन यदि आप करें तो आपको टेन आई पी बराबर क्या मिलता है दोस्तों, कोसेक सी मिलता है आपको। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर कौन सा वाला दिखता है, आपको पहला वाला दिखता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है दोस्तों, आप इसे नोट कर लेंगे, जो आपका आईपी और सी में रिलेशन बताता है, अर्थात ध्रुवण कोण में और क्रांतिक कोण में दोस्तों आपको संबंध निकालने को बताता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि कौन करता है। ये दोस्तों आपको बता दिया गया, हमने पहले ही बता दिया है, जो अनुप्रस्थ की प्रकृति बताता है दोस्तों आपका ध्रुवण बताता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ध्रुवण वाला सही हो जाएगा, पहला वाला। पोलराइजेशन के द्वारा दोस्तों आपको पता लगता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ दोस्तों तरंग होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ लगातार आपको मिलते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें दोस्तों, और साथ ही साथ हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।